पर देख ही सकते हैं कि केक कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना है एंड दिखने में भी बहुत सुंदर दिख रहा है। तो आप घर पे ही बहुत आसान तरीके से बहुत ही कम समय बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ चॉकलेट वाली केक आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिस्किट से बनने वाली केक। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले चुकी हूँ हैप्पी हैप्पी कुकीज़ एंड साथ में ही यहाँ पर मैं ले चुकी हूँ कैडबरी बॉर्नविले 50% डार्क चॉकलेट एंड साथ में ही यहाँ पर मैं ले ली हूँ मिल्क। तो आज मैं इससे ही बनाने वाली हूँ। यहाँ पर मैं ये छोटे पैकेट यूज़ की हूँ, 5 रुपए वाली पैकेट है ये। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनने वाली सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक। तो मैं कैसे बनाती हूँ आप लोग वीडियो पे बने रहिए एंड देखते रहिए कि मैं इसको किस तरीके से बनाती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिस्किट को जार में डाल देंगे एंड एक फाइन पाउडर बना लेंगे इसका। तो मैंने यहाँ पर 5 रुपए वाली बिस्किट के 12 पैकेट लिए हैं। तो ये सब एक साथ फाइन पाउडर नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले मैं 6 पैकेट को अच्छे से फाइन पाउडर बना लूँगी, देन उसके बाद में और 6 पैकेट के बना लूँगी। तो देख लीजिए यहाँ पर मैं 6 पैकेट बिस्किट का ये फाइन पाउडर बना चुकी हूँ एंड अभी ये बचे हुए बिस्किट के भी मैं फाइन पाउडर बना लूँगी। तो अभी मैं बचे हुए बिस्किट का भी फाइन पाउडर बना चुकी हूँ, तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी एंड इसके बाद अभी मैं यहाँ पर डाल दूंगी शुगर पाउडर। इसमें मैं ये 4 चम्मच शुगर पाउडर डाल दी हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ एंड अभी इसमें मैं डाल दूंगी यहाँ पर ल्यूक वार्म मिल्क। तो ये हल्का गुनगुना है, इसको हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, इसमें कोई गुठलियाँ ना रह जाए। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करेंगे एंड देख सकते हैं कि ये अभी बहुत थिक है। तो अभी इसमें हम थोड़ा सा और मिल्क यूज़ करेंगे। अच्छे से मिक्स कर चुके हैं एंड आप लोग देख ही सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी, ये ना ज़्यादा थिक है एंड ना ज़्यादा थिन है, ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो अब हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे लगभग 5 से 10 मिनट तक। तो आज मैं केक बिना ओवन का बनाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं ले चुकी हूँ कुकर एंड यहाँ पर ये नमक। तो सबसे पहले हम इसको प्रीहीट कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम नमक को कुकर में फैला लेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का स्टैंड हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास नहीं है तो आप कटोरी को उल्टा रख कर भी कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको इसमें सेट कर लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कुकर का सीटी निकाल चुकी हूँ एंड इसके जो ट्यूब थे मैं वो भी निकाल चुकी हूँ एंड अब इसको हम अच्छे से ढक देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट हो चुका है एंड ये बैटर अच्छे से सेट भी हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे इनो। तो इनो को हम इसमें पूरा डालने वाले हैं एंड इनो को एक्टिव करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल देंगे। आप लोग देख ही सकते हैं दूध डालने के साथ ये झाग बनने लगा है। अब हम इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। कर चुकी हूँ एंड अब मैं इसको मोल्ड में डाल दूंगी। तो मेरे पास कोई केक मोल्ड नहीं है तो मैं इस तरीके का सिल्वर का कटोरी यूज करने वाली हूँ। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं एंड अब मैं इसमें पेपर डालने वाली हूँ। मेरे पास बटर पेपर नहीं है तो मैं इसे प्लेन पेपर को ही अच्छे से इसमें ऑयल ग्रीस कर चुकी हूँ। अब हम इसको इसमें सेट कर लेंगे। अब इसमें बारी आती है बैटर डालने की। तो आप लोग इसका कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये किस तरीके का है। अभी मैं इसमें पूरे बैटर को डाल चुकी हूँ एंड इसको अभी हम डैप डैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई बबल्स ना रह जाए। अगर बबल्स होंगे भी तो वो अभी निकल जाएंगे।
अभी मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए प्री हीट कर चुकी हूँ एंड इसके बाद हम इसको सेट कर लेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम इसको 30 मिनट के लिए बेक होने देंगे। यहाँ पर जब मैं इसको बेक कर रही हूँ तो देख ही सकते हैं कि मैं फ्लेम कैसा रखी हूँ, एकदम लो रखी हूँ, इसको मीडियम या हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। तो केक को डेकोरेट करने के लिए अभी मैं चॉकलेट को मेल्ट कर लूँगी। तो केक को गार्निशिंग करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं चॉकलेट ले चुकी हूँ एंड इसको अभी हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। साथ में ही मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से मिल्क। मैं इसमें मिल्क इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये जब मेल्ट होने लगे तो ये बिल्कुल भी ना जले। अभी हम इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे क्योंकि जब हम इसे गरम गरम केक में ही डाल देंगे तो क्या है ना कि केक अब्सॉर्ब कर लेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे ठंडा कर लेंगे, देन उसके बाद ही हम केक में डालेंगे। सो अभी मैं इसको ढक्कन खोल दूँगी, चेक करने वाली हूँ कि ये अच्छे से हुआ है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि टूथपिक एकदम क्लीन निकला है एंड ये ऊपर से भी अच्छे से बेक हो चुका है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे। केक ठंडा हो चुका है एंड बारी आती है इसको निकालने की, तो अभी मैं इसको निकाल लूँगी। तो मैं इसको ट्रे में निकाल रही हूँ, देख लीजिए ये कितना इजीली निकल चुका है। तो देख लीजिए कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना है। एंड अब बारी आती है इसको गार्निशिंग करने की, तो इसके ऊपर मैं सबसे पहले डाल दूंगी ये चॉकलेट सिरप। सो अभी चॉकलेट को हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे एंड इसके साइड में भी हम लगा देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले चुकी हूँ जैम्स एंड यहाँ पर मैं कुछ काजू भी यूज करूंगी। आप लोग यहाँ देख ही सकते हैं कि हमारा केक बनके रेडी हो चुका है एंड ये दिखने में भी बहुत अच्छा और सुंदर दिख रहा है। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, ये टेस्टी भी लगेगा एंड अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना है। तो अभी चलिए मैं इसको कट करके आप लोगों को दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी है। इस केक को देखकर कोई नहीं बोल सकता कि हम इसे घर पे बनाए हैं। आप किसी स्पेशल ओकेज़न या किसी बर्थडे पार्टी के लिए भी इसे बना सकते हैं एंड ये बिस्किट से बना है, कोई यकीन ही नहीं करेगा एंड खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। जी कि कितना सॉफ्ट बना है। ये कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा एंड मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तो मैं एक पहले खा चुकी हूँ एंड अभी फिर से खा रही हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो वीडियो अगर किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, मैं मिलूँगी आपसे एक और नई रेसिपी लेके।